सब्सक्राइब करन्तु टेक्सन्तु चैनल को एवं बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करनियन्तु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। समस्त बंधु मानको सादर प्रणाम जनाउछि मु संजय। चालन्तु आजर गुरुत्वपूर्ण टॉपिक विषय रे आलोचना करबा। आज टॉपिक रे रहिछि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रु आसीथिबा चिट्ठी। लेटर नंबर रहिछि 18741, डेटेड रहिछि 10/12/2020। लेटरटिक अच्छा श्री सत्यव्रत साहू आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। लेटरटि कराई टू द डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर द एसपीडी ओसेपा भुवनेश्वर ओडिशा ऑल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स। सब्जेक्ट रही रिगार्डिंग अलाउंग कंट्रेक्चुअल टीचर्स और रेगुलर सेकेंडरी टीचर्स टू एक्वायर हायर क्वालिफिकेशन और हायर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ऑन डिस्टेंस मोड अंडर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। जो कंट्रेक्चुअल टीचर मैंने कि रेगुलर माध्यमिक टीचर मैंने निजर हायर क्वालिफिकेशन किंबा हायर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जहाँ डिस्टेंस मोड रे हेथिबो कंप्लीट करिया पई चाहौछंती सेमानको अलाउ करिया पई लेटर टी करा जायछि। सर और मैडम इनवाइटिंग रेफरेंस ऑन द अफोरसेड सब्जेक्ट आई एम टू से दैट सम टीचर्स हु ऑलरेडी पजेसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट दे होल्ड आर स्टिल रिक्वेस्टिंग फॉर एक्वायरिंग अकॉर्डिंग परमिशन फॉर परसुइंग हायर क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग। हेंस इट इज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर अलाउंग ए टीचर टू परस्यू हायर स्टडीज और ट्रेनिंग ड्यूरिंग हिज और हर सर्विस पीरियड। डिस्टेंस मोड रे निजर क्वालिफिकेशन एक्वायर करिया पई किछि क्राइटेरिया रहिछि जहाँ को निम्नरे दिया जायछि ताकु आलोचना करबा। प्रथम रहिछि द टीचर कंसर्न इंटरेस्टेड फॉर एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन शाल हैव टू अप्लाई इन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन एनेक्सर ए टू द कंसर्न्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी। एनेक्सर ए रे थिबा फॉर्मेट टी को पूरण करी निजर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को जरिया रे हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करिया पई अप्लाई करिया पई कह जायछि। द टीचर कंसर्न शाल हैव टू ऑब्टेन ए परमिशन फ्रॉम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंसर्न्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर सच कोर्स बाय इंटीमेटिंग डिटेल्स ऑफ द कोर्स कोर्स पीरियड। क्वालिफिकेशन अप्लाई करिबा पूर्वरु निजर अपॉइंटिंग अथॉरिटी रो परमिशन दरकार। आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द सेड कोर्स बाय द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी सी और ही विल हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंसर्न इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज एनेक्सर बी। एनेक्सर बी अनुसार गोटे अंडरटेकिंग मध्य देवा पड़ो जदि से माने सिलेक्टेड हो जाती इंस्टिट्यूट कि यूनिवर्सिटी निजर कोर्स करने द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एट हिज और हर लेवल मे अलाउ द टीचर टू परस्यू सच स्टडीज इफ द कोर्स इज कोरस्पोंडेंस इन नेचर। जदि कोर्स टी कोरस्पोंडेंस दूर निरंतर डिस्टेंस मोड रे हेतिबो ताहाले अपॉइंटिंग अथॉरिटी से टीचर को अलाउ करिपारिबे। द टीचर कंसर्न्ड शाल हैव टू परस्यू द स्टडीज एट हिज ओन कॉस्ट निज खर्च रे से ही टीचर माने निज खर्च रे क्वालिफिकेशन को एक्वायर करिबे। नो लीव विल बी अलाउड टू द टीचर कंसर्न्ड फॉर परस्यूइंग द स्टडी ओनली द टीचर विल बी अलाउड सीएल ऑन द एग्जामिनेशन डेट्स एज पर रूल्स। टीचर को कौन सी छुट्टी दिया जीवो नहीं केवल से केवल परीक्षा दिन मानक सीएल नहीं पारे। द टीचर शाल नॉट क्लेम एनी हायर सैलरी और प्रमोशन बियॉन्ड रूल ऑन एक्वायरिंग द हायर क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग। एवं टीचर शाल नॉट क्लेम एनी हायर सैलरी कौन सी अधिक सैलरी क्लेम करें बा प्रमोशन क्लेम करें। द डीओ कंसर्न विल एग्जामिन द केस एंड सबमिट द प्रपोजल अलोंग विथ द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टू द डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा फॉर कंसीडरेशन। द इंस्टीट्यूशन इन व्हिच द कैंडिडेट्स विल टेक एडमिशन फॉर हायर कोर्स ट्रेनिंग मस्ट बी एफिलिएटेड टू एन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी प्रूफ टू बी अटैच्ड। द कोर्स इन व्हिच द टीचर विल टेक एडमिशन मस्ट हैव इक्विवेलेंसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ
ओडिशा अप्रूव टू बी अटैच्ड। शिक्षक जो क्वालिफिकेशन ग्रहण करेंगे ताहा ओडिशा रे थिबा यूनिवर्सिटी रो इक्विवेलेंस सहित समान होता दरकार। नो टीयर डीए विल बी क्लेम्ड बाय द टीचर कंसर्नड फॉर द पर्पज रिलेटेड टू द हायर स्टडी। कौन सी टीए डीए से ही टीचर को दिया जीवना ही। द नॉर्मल स्कूल वर्क विल नॉट बी हैम्पर्ड ड्यू टू हायर स्टडी ऑफ द टीचर कंसर्नड। स्टडी समय रे नॉर्मल स्कूल वर्क ऊपर कौन सी असुविधा हेबो नहीं बा प्रभाव पड़ो नहीं। कॉपी फॉरवर्ड टू ऑल ऑफिसर्स एंड सेक्शंस सेल्स ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर इनफॉरमेशन एंड नेसेसरी एक्शन। कंप्यूटर सेल इज रिक्वेस्टेड टू टेक स्टेप्स फॉर हॉस्ट दिस सर्कुलर इन द डिपार्टमेंट वेबसाइट फॉर ऑल कंसर्नड। देखो आनेक्स आसी आप्लिकेसन फॉर इश्यू ऑफ परमिशन फॉर एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन। नेम ऑफ द टीचर रेजिग्नेशन व्हेयर द टीचर इज ए रेगुलर और कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉई। नेम ऑफ द स्कूल विथ एड्रेस गवर्नमेंट और एडेड। परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द टीचर डेट ऑफ जॉइनिंग एंड डेट ऑफ रेगुलराइजेशन। डेट ऑफ द कोर्स टू बी परस्यूड करस्पोंडेंस ओनली। नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स व्हेदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेजेंट पोस्ट हैज बीन ऑब्टेंड और नॉट। आई डू हियर बाय अंडरटेक दैट द एंट्रीज मेड अबव आर कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। सिग्नेचर ऑफ द टीचर प्लेस डेट एनक्लोज एफिडेविट इन ओरिजिनल। तापर एनेक्सर बी अंडरटेकिंग रही। आई डू हियर बाय अंडरटेक दैट द नॉर्मल स्कूल वर्क विल नॉट बी हैम्पर्ड ड्यूरिंग माय हायर स्टडी। मोर हायर स्टडी समय स्कूल काम ऊपर कौन से प्रभाव पड़े ना। आई शाल नॉट क्लेम एनी टीए डीए फॉर परस्यूइंग द हायर स्टडी और ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बा स्टडी समय कौन सी टीए डीए पे मु क्लेम करी ना। आई शाल नॉट क्लेम एनी हायर सैलरी और प्रमोशन बियॉन्ड रूल्स ऑन एक्वायरिंग द हायर क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग। हायर क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग नेवा समय नेला पोरे मु हायर सैलरी बा प्रमोशन पे क्लेम करी पारिबी नाही। आई शाल नॉट क्लेम एनी लीव अदर दैन सीएल फॉर द एग्जामिनेशन डेट्स ओनली। सीएल व्यतिरेक अन्य कौन सी लीव उपर मु क्लेम करी नाही। आई शाल परस्यू द हायर स्टडी ट्रेनिंग एट माय ओन कॉस्ट। मो निज खर्च मोर स्टडी समाप्त करवा स्टडी टी ग्रहण करी। द हायर स्टडी और ट्रेनिंग टू बी परस्यूड बाय मी इज थ्रो करस्पोंडेंस मोड ओनली। जो हायर स्टडी बा ट्रेनिंग मुझे नेबी ताहा ओनली दूर निरंतर मोड्रे केवल रही। समस्त को मोर अशेष अशेष धन्यवाद।